Hello everyone I am Neharika and welcome to the English workbook सो so, अगर आपने कल का टेस्ट मिस कर दिया है एंड यू आर द वन जो एस बी आई क्लर्क मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उस टेस्ट को भी ज़रूर दें टुडे वी हैव टेस्ट नंबर टू एज ए सेट में डेली uh, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मेन्स का तब तक आपको डेली एक सेशन दूंगी इट्स कॉ ना बी अ क्विक प्रैक्टिस सेशन टू नो कि आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं आप ख़ुद के लिए जान पाएंगे ओके वन मोर थिंग इफ इट इज़ पॉसिबल लीव योर स्कोर इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई वुड लाइक टू नो कि आप

सही ऑप्शन पिक कर कर आप उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हो वो पूरा एक सेंटेंस हो सकता है वो सेंटेंस का एक आधा भाग हो सकता है सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू एंड उसके लिए मैं आपको वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड्स का टाइमर लगा कर दूंगी वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द टाइम जो आपको मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड्स Try to pick up keywords and relate. टाइम अप एंड आंसर इज सी in lane अंड लेन final एट फाइनल ट्रैक सो स्टेडियम इन सो एंड सो प्लेस ऑन सो एंड सो डेट मे बी आपको इतना सब कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है वट है टू थाउजेंड एटीन वर्ल्ड अंडर ट्वेंटी चैम्पियनशिप इधर वापसी इस जगहों के नाम है स्प्रिंटर टोर डाउन द ट्रैक्स टू विन द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया आपको ये मेन चीज़ देखनी कब हुआ कैसे हुआ इतनी ज़्यादा डिटेल इतना ज़्यादा प्रॉपर डाउन आपको वैसे भी कोई काम नहीं देगा ज़्यादा ना वट डू यू अंडरस्टैंड हियर इज वट हैपन इन लेन न फॉर इस दिन इस डेट इस जगह मे बी वैन शी टोक द ब्लॉक्स अभी तक तो मैंने यहाँ पर नाम बताया नहीं तो मैं यहाँ पर शी किस के लिए बोलूंगी टिल दिस पॉइंट मैं नहीं मैंशन कर रही हूँ तो इसको हम हटा देते हैं देन अगेन वॉट हैपेंड इन लेन फोर मे बी एंड अप मे बी एंड अप मे बी अगर लगा रहे हैं तो या तो एक मॉडल वर्ब होता है और मॉडल के साथ में आप अगर लगाते हैं वी वन लगाते हैं ओके okay, या फिर आप बी लगाते हो और बी के साथ जरूरी नहीं है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है आप इसके साथ में एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हो एक नाउन यूज कर सकते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल इट मे बी गुड फॉर यू दीज सेशंस मस्ट बी हेल्पफुल सो इन दैट वे हम मे बी या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में बी लगाकर वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हुए दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं और यहाँ पर वही हो रहा है नाउन का यूज हो रहा है वट है मे बी एन एप्ट मेटाफोर फॉर नॉट जस्ट इंडियन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो द चेंज इन द वे इंडिया लुक्स इट सेल्फ क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है आगे चलकर हिमा दास के बारे में बात हो रही है जो इत की स्प्रिंटर है एंड शी टोर डाउन द ट्रैक्स टू वेन द फर्स्ट एवर गोल्ड सो ये एक प्रकार का मेटाफॉर है इट वट है मे बी एन एप्ट मेटाफॉर फॉर दिस थिंग यहाँ पर अगर मैं ग्रामेटिकली देखू वट हैपन इन लेन फोर मे बी अड ऑफ द पैक टू सी हाउ फार एवरी वन एल्स वॉज डिनाइड हिम हम हिम की तो किसी की बात कर नहीं रहे हैं सो दैट्स हाउ वी गेट टू सी ग्रामर की बहुत मदद से हमें पता चल जाता है दिस इज द राइट आंसर ऑल्सो आगे चल के वो इंडिया को भी कनेक्ट कर रहा है कि कैसे इंडिया के लिए मेटाफॉर बना एंड दैट्स हाउ फर्स्ट एवर गोल्ड हमें मिला Next question. That is the right answer. The blank over here is towards the end. Akri ki taraf hai. Sati saat, ho an increase in government borrowings to fund loan waivers will crowd out private investment. एंड इसी के जब क्राउड आउट होगा एंड दी कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फिजिकल इम्प्रूडेंस क्योंकि आप यहाँ पर फाइनेशियल ईयर की बात कर रहे हो ओके okay, बोरोइंस की बात कर रहे हो तो फिजिकल इम्प्रूडेंस विल बी एडवर्स फॉर द कंट्री अगर ऐसा होता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स में इंक्रीज होता है ताकि लोन वेवर्स को फंड करा जा सके तो इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाएंगे एंड यही इस काम को करने का जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिजिकल इम्प्रूवेंस को दैट इज़ कि यहाँ पे समझदारी नहीं बताई पैसों को लेकर इकानमी को लेकर इट विल इट विल बी एडवर्स वो अच्छा नहीं होगा फॉर द कंट्री एंड दैट्स वॉट वी आर सिंग एंड देर आर गैप्स इन द डेटा कौन से गैप्स कैसा डेटा कब मैंने जी एस टी की बात करी दो आप फिनशियल या फिजिकल डिफिजिट की बात कर रहे हो बट देन इसका तो कोई रिलिवेंस नहीं है एंड टू इम्प्रूव रियलाइजेशन फ्राम स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवाई रिजनेबल यूजर चार्जेस एंड क्रिएट यहाँ पे सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है टू इम्प्रूव टू क्रिएट लेकिन किसको क्रिएट कर रहे हैं वो तो है लेकिन कौन है करने वाला कैसा काम हो रहा है वो कुछ भी नहीं है तो एंड से भले ही सेंटेंस शुरू हो रहा है बट योर सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड देन अ वर्ब एंड देन एन ऑब्जेक्ट गेटिंग स्टेट बॉन्ड्स रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंट फिजिकल परफॉर्मेंस कुड प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर सच चेंजेस इट इज ओनली वन थिंग मैंशन ओवर हियर सच चेंजेस मैंशन है नहीं तो मैं सच को लेकर आगे सेंटेंस नहीं बढ़ा सकती एंड बिकॉज ऑफ दिस ए इज योर आंसर काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आप सुन पा रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट यू कैन म्यूटेड बाई द टाइम आई स्टार्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन देन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ वंस अगैन वेरी बिग हिंट इज देय ऑफ यू दैट इज इंस्टेंट ये काम क्या हो रहा है यहाँ पर ये पड़ जाओगे ये पढ़ लोगे देन यू विली फिगर आउट की इंस्टेंट के बाद क्या होना है द नीट रिएक्शन फॉलोअ बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टिव ये फॉलो करता है बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टिव ओके चलो समझ में आ गया आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट ऑन वट स्टेप्स इट प्रपोज क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको लगता है टू रेगुलेट एग्जॉबिटेंट प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स एट मल्टीप्लेक्सेस सो ये जो है ऐसा हुआ इंस्टेंट द गवर्मेंट हैज़ सेट आउट जहाँ उनको क्या करना चाहिए था उनको कुछ ना कुछ इस पर रोक लगानी चाहिए थे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वॉट इज रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट हैज़ सेट आउट टू प्रो एक्टिवली डैमेड महाराष्ट्र मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री instead या instead ऑफ का जब यूज होता है सो इट टॉक्स अबाउट कि ये करना था instead हमेशा ऑफ लगा हो जरूरी नहीं है केवल instead भी लगा हो सकता है तो इसके बजाय वो वाला चीज हो गया इस प्रकार की बात हो रही है यहाँ पर सो दैट्स द रीजन ओवर कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो नीच वर्क रियाक्शन है इट फॉलोज अ डायरेक्टिव आस्किंग की स्टेट गवर्नमेंट जो है एक एफिडेविट लगाए कि क्या स्टेप्स होना चाहिए कि एग्जॉबिटेंट प्राइजेस रेगुलेट हो ये करने के बजाय द गवर्नमेंट हैज सेट आउट ये बिल्कुल तैयार है प्रोएक्टिवली डैमेज करने के लिए सो इन द बिजनेस टू मेक प्रोफिट बोलना अप्रोप्रिएट नहीं होगा ओके okay? गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही जो हम चाह रहे हैं ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपना खुद का प्रॉफिट कर रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड लेवरेज रेवेन्यू सोर्सेस दैट लेकिन ये इंस्टेट से तो कुछ भी नहीं जाएगा सम समवन इज डूइंग समथिंग तो वो पूरा सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट वापस से हमें चाहिए इंस्टेट चार्जेस ऑफ प्राइसिंग एंड कार्टलाइजेशन टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन कैन बी जेनुन इंस्टेड समथिंग कैन बी समथिंग तो पहली बात भी कैन ही होती हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं इंस्टेट के पहले हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करे इंस्टेड वही स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर रही है सिंपल सा लॉजिक था दैट्स योर आंसर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन

पॉपुलेशन लेस देन क्वार्टर अ क्वार्टर ये अ क्वार्टर अलग अलग है ऑफ ग्रेटर डेली इज रैंक सेकेंड सो नया चैंपियन बता दिया नए चैंपियन के बाद भी सेकेंड बता दिया डिजर्वली

ट मच एम्बिग्विटी नो सीन इन दमिनेटेड कौन है लेकिन जो सीन का काम कर रहा है स्टैंड एंड डोमिनेटेड तो ये सीन तो बोल नहीं सकते दैट्स हाउ बी यूज इट बट हियर देट इज़ नो रेलिवेंस क्योंकि मुझे तो वर्ल्ड का सेकेंड फॉर्म चाहिए है सो दैट्स वाई ए इज आर आंसर लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट वन ना

डीशन विल बी नीडेड ऑन वॉट शुड बी केप्ट आउट ऑफ कंसेंट सेटलमेंट टू डिटे सीरियस ऑफेंसेस सो क्या लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है डिफाइन ऑलरेडी कर रहा है कि क्या है जो फ्रॉड है लेकिन क्लियर डिमार्केशन चाहिए जब पहले ही डिफाइन कर रहा है तो बट के साथ कॉन्ट्रास्ट की बात लिखेंगे क्लियर डिमार्केशन की बात क्यों लिखेंगे जो कि अदर वर्ड्स में यही है कि प्रॉपर डिफाइन करो एक एक गाइडलाइन एक बाउंड्री होना चाहिए बट नाइदर द गिल्ट ऑफ द पार्टी इज स्टैब्लिश नॉर इज इनोसेंस प्रूवन यहाँ पे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं कि एक्ट डिफाइन करता है फ्रॉड को ऑफिशियल्स चास्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स टू पे चार्जेस एंड अवॉइड प्रोसिक्यूशन ऑफिशियल्स ने चार्ज करा लेकिन ये बट की बात जो कॉन्ट्रास्ट में जाएगी वो पहली वाली बात के कु आस पास के लेवल की स्टैंडर्ड की तो हो बट पेनल्टीज मस्ट बी कमेंजरेट विद ऑफेंस, नॉट हार्श एंड डिसपोर्शनेट ना ये सच है कि कंपनी का जो एक्ट कंपनीज एक्ट है कि फ्रॉड क्या होता है लेकिन पेनाल्टीज मस्ट आल्सो भी ये तो डेफिनेशन मिल गई लेकिन पेनाल्टीज को भी कमेंस्यूरेट करने की जरूरत है अलोंग विद द ऑफेंस जो कि ज्यादा हार्श ना हो डिसप्रोपोर्शनेट ना हो ओके okay? सो so, यहाँ पर हम बोल रहे हैं बट द अदर थिंग मस्ट ऑल्सो हैपन इतना अकेला डिफाइन करना इनफ नहीं है लेकिन इससे आगे पेनाल्टीज को भी हमें कमेंसुरेट करना जरूरी है सो दैट्स द टोन गोइंग ऑन डी इज योर आंसर नेक्स्ट वन time up now this time it is in between okay so बीच में है let's see आगे का पीछे का क्या है plus आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये sentence का continue होता वाला part है it's not an entirely new sentence the move to end an important support extended to Indian shipping for close to two decades on carrying cargo ठीक है this move बॉट कार्गो बॉट एंड सोल्ड बाई स्टेट फॉर्म्स इज सो दूव इज़ लाइकली अब ये जो है मूव कैसा था क्यों था किसके लिए तो उतना समझाया जा रहा है बट द मूव इज लाइकली जो कि खत्म करने के लिए है इज़ लाइकली टू बूस्ट देयर रिस्पेक्टिव शिपिंग ये मूव जो कि बंद करा रहा है चीज़ों को ये बूस्ट तो करेगा नहीं बूस्ट तो करेगा नहीं अगैन To carry exempt transshipment containers and empty containers for repositioning. And the move is likely to take the wind out of sails of local fleet owners. अफकोर्स जब हम इसकी बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि ये मूव कर रहा है उसके लिए आपको मूव को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है कि ये मूव क्या कर रहा है फेवर में काम कर रहा है कि अगेंस्ट में काम कर रहा है तभी तो आप आगे जाके ये बताएंगे कि मूव इज़ गुड और इज़ बैड जब बोला जाता है मूव इज़ टेकिंग और मूव इज़ लाइकली टू टेक wind आउट ऑफ आउट ऑफ़ द सेल्स ऑफ लोकल फ्लीट ओनर्स इसका मतलब होता है किसी को फ्रस्ट्रेट करना ये एक ईडियम है टेकिंग द wind आउट ऑफ someone's सेल्स इसका ये एक फ्रेज एक ईडियम है इसका मतलब होता है कि एकदम से एक ऐसा एक्शन कर देना जो सामने वाले को Uh, बहुत फ्रस्ट्रेट कर दे परेशान कर दे ओके सो दैट्स द रीज़न कि हम यहाँ पर ये यह बोल रहे हैं कि ये जो अचानक से मूव लिया है इट इज़ लाइकली टू टू ट्रबल दीज लोकल फ्लीट ओनर्स इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगा ओके okay? इनको इनके लिए नुकसानदायक होगा इन अदर वर्ड्स वी आर सेंग दैट ओके सो दैट इज़ द आंसर It will be a point of discouragement for these fleet owners. द आंसर इज सी वापस से देखो लास्ट भी लास्ट नहीं है नॉट लास्ट बीच में है एंड लास्ट में जैसे हमने देखा था वहाँ पर स्टार्ट करके कर दिया था तो ये जो भी है ई पी एफ ओ का वर्ब लगेगा या इसको एज अ सब्जेक्ट लेकर आगे चलेंगे सो so हम यहाँ पे पिछली लाइन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं दैट गारंटीज अ मिनिमम सोशल सिक्योरिटी नेट to those at the lower rungs of the income ladder. EPFO is likely to be cheered by. क्या ये fund organization को cheer करने की जरूरत है? No, we are not talking about it. EPFO now we are in. ये तो यहाँ पर subject के साथ जो verb है singular के साथ वो ही गलत है. May do serious harm. EPFO harm कब से करने लग गया? लेकिन इतना सब कुछ जो हो रहा है EPFO seems

एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तभी तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है तो उस चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है Moving on to this one now. ओके सो वी आर डन विद क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन इसलिए थे सो दैट यू अंडरस्टैंड द अप्रोच कैसे मार्क करना है बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है ओके यू वर्क ओवर इट इन अ वेरी स्मार्ट मैन और सो यर अगेन सी बी के बारे में बात हो रही क्या है यहाँ पर आओ द इश्यू परटेन्स टू आई सी आई सी आई प्रू प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड डिसीजन टू इन्वेस्ट सम क्रोर इन द रिसेंट आई पी ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ आई सी आई सी आई सिक्योरिटी द रेगुलेटर्स कंटेंशन इज दट किस बात को लेकर प्रॉब्लम हो रही है द फंड हाउस हैज़ इफेक्टिवली एंगेज इन एन एक्ट ऑफ बेलिंग आउट इट सिस्टर फॉर्म वैन इट्स आई पी ओ वॉज इन डेंजर ऑफ फ्लाउंडरिंग The stock has since dropped फोर्टी परसेंट बिलो इट्स ऑफर प्राइस देखो यहाँ पर कुछ हो रहा है ठीक है वो हो रहा है इस बात को लेके कि इशू है वो बना हुआ है आई सी आई के साथ में उनका डिसीजन है कि वो अपने रिसेंट सिक्योरिटीज़ में ये ही जो है सिक्योरिटीज़ प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड का सिस्टर फर्म है ये आपको लाइन से समझ में आना चाहिए और यहाँ पे ये डिसीजन ले रहा है कि इतना पैसा इधर पर इन्वेस्ट करेगा राइट right. अब हम आगे देखते हैं क्योंकि द रेगुलेटर्स कंटेंशन किस बात को लेकर यहाँ पे उथल पुथल मची हुई है इट इज दैट द फंड हाउस हैज इफेक्टिवली एंगेज क्योंकि ये जो फंड हाउस है जो फंडिंग कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने सिस्टर फर्म को बचाने के लिए कर रहा है जबकि इसके चलते वैन इट्स आई पी वॉज इन डेंजर ऑफ़ फ्लाउंडरिंग फ्लाउंडर का मतलब एक होता है कि किसी को काम करने में डिफ़िकल्टी होती है या डेंजर में होता है सो इन डेंजर ऑफ़ फ्लाउंडरिंग यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फेल होने का डेंजर जबकि एक तरफ इनका आईपीओ फेल हो रहा है इनका पूरा ध्यान अपनी सिस्टर फर्म को बचाने में है कौन है इन्वेस्टर आईसीआई सी प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, सिस्टर फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सो दिस थिंग इसके कारण इनके ये एक्ट के कारण क्योंकि ये बेल आउट कराना चाह रहे हैं द स्टॉक हैज सिंस ड्रॉप्ड स्टॉक भी गिर गए अगर मैं बोलती हूँ इज दैट टू मेक ओनली हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स ऑफ़ सच डील्स सो सच डील्स तो बताए ही नहीं है द आई पी ओ वुड है आई पी ओ वु हैव फेल्ड टू गो थ्रू लेकिन यहाँ पे वुड है ना देर इज दिस समिंग जो कि ये मॉडल वर्क का यूज करा जा रहा है कि फेल शायद हो चुका होता था लेकिन यहाँ पे तो है ड्रॉप्ड है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है वी कैनॉट से फंड हाउस द कंटेंशन इज कंटेंशन की जो बात करी जा रही है वो बता रही है कि आगे वाली जो बात बोलेंगे कंटेंशन वाली बात होगी कंटेंशन का मीनिंग होता है डिसग्रीमेंट सो डिसग्रीमेंट की बात डिसग्रीमेंट इज टू आस्क फंड हाउस नहीं बोल सकते डिसग्रीमेंट इज कंटेंशन इज अ होल थिंग जो पूरी बात यहाँ पर आई हुई है डिसग्रीमेंट इसलिए है कि ऐसे कैसे कर सकता है कि अपने सिस्टर फॉर्म को बचाने के लिए आईपीओ को खतरे में डाल दे फेल हो गया आई पी ओ फ्लॉप हो गया तो वो तो वाली बात यहाँ कर रहे हैं सो येस स्टूडेंट्स दैट्स इट थैंक यू सो मच फॉर बींगर मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब द चैनल अगर आप अन अकेडमी पर मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं सो देर आर मेनी कोर्सेज जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं बट दीज आर प्लस कोर्सेज सो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप एन जे एम टेन इस कोड का यूज़ कर कर सब्सक्राइब कर सकते हैं अराउंड फाइव कोर्सेज आते हैं जो मैंने एस बी आई मेन्स के लिए बनाए हैं एंड उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी लेंथी प्रैक्टिसज हैं जितना टाइम हाथ में है उतना टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए इंग्लिश हेल्प यूअर लॉट इन क्लियरिंग मीन एंड आई होप यू नो दी सींग यू टूमारो विथ मोर क्वेश्चन टिल देन इस अप्रोच को फॉलो करो इस प्रकार इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू